उधर बठिंडा च भी श्रोमणी अकाली दल के आगुआ ने कांग्रेसियों धक्केशाही के इल्जाम लगाए ने। श्रोमणी अकाली दल के आगू सिकंदर सिंह मलूका ने एक उम्मीदवार को पेश किया जिसने कांग्रेसियों से धमकियां देने के इल्जाम लाए। सरूप चंद सिंगला ने कहा कि उन्होंने वालों चोण कमीशन को शिकायत भी भेजी गई पर उसते हाले तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। कमीशन की ड्यूटी होंगी है कि घट्टो घट ज्यादा तो इलेक्शन कमीशन चाहिए नहीं, फिर तो की करा क्यों पांच साल वास्ते रोडा ला के इलेक्शन कमीशन खर्चा इन्ना कर दी है सरकार की करा। यह जी इलेक्शन तो फिर डीसी करा सकता, डीसी दे दे पावरा, डीसी से इस ज्यादा वधिया करा सकता। मैं तो लगता राज इलेक्शन कमीशन का साढ़े पिंड के 11 चो 7 बिना मुकाबला जेतू करार दिए, आप वाले भी कागजरात, साढ़े भी कागजरात, आजादा के भी कागजरात, सारे सारे कागजरात, सब तो वह 24 कागज जिहड़े 24-5 नगर पंचायतों के रामपुरा फूल हल्के रद्द हुए। आ सा मुंडा खड़ा एम सी है पिछले आप का दस भाईचारे तो 2 नंबर वार्ड से तड़के 10 बंदे ये घरें गए, 10 बंदे डरा के भी माँ बीमार पई है, हार्ट की मरीज है, उन्होंने ब्लड प्रैशर हो गया, हस्पताल जानी पी, तड़के डरा के भी ज्यादा तड़के पोलिंग ना लाओ नहीं वेख लो फिर किमें होंगी होंगी। जो धक्केशाहियां करके कागज रद्द करके चोन डिकलेयर करके फिर सैमीफाइनल तो नहीं आप कह सकते। सो 2022 तो तुम देखोगे कि की होगा, 2022 अकाली दल शानो शौकत नाल सरकार बनाएगा पंजाब। साडे वर्कर जिहड़े काम करते हैं उन्होंने घर जाके ये कह के आ रहे हैं। मैं गल कर रहा तजेंद्र कुमारा सी आई का जो हम स्पैशल ब्रांच का इन्होंने एस एच ओ लाया हुआ, वो घरे वर्कर जाके कह रहे साडा वर्कर है कला भी तुम अकाली दल तो की लेना इतने बैठ के घरें बैठ के आपका काम करो। कल ये घटना एक घटना नहीं है, यदि सैकड़े घटना बठिंडे शहर के हो रही हैं, उमें आजाद कैंडीडेटा उन्होंने बिठाने वास्ते हो रही हैं। मैं ये गल समझ नहीं आती कि जी इलैक्शन है इदू इलैक्शन कराने नालों तो वैसे ही उसे अब नोमीनेट कर लेंगे, वैसे की करने की लड़ सी सारे इतने मनप्रीत बादल उन्होंने धर्मपत्नी उन्हों का बेटा सारा बाजारों के जाके कंपेन कर रहे हैं तो अज सारा पुलिस प्रशासन इसे काम से ला रखे। मैं कह सकता कि ये बुखला गया।